फ्रेंड हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड हमारे चैनल पे नवोदय विद्यालय समिति NVS इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के फुल कोर्सेस आप लोगों के लिए स्टार्ट कर दिए गए हैं और इस फुल कोर्स में आपको टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारे जो है देखने को मिलेगा। अगर आप जो है NVS की तैयारी चाहते हैं तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ से जाइए और फुल कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। यह क्लासेस आपको डेमो के रूप में मिल रही हैं और ये क्लासेस आप लोगों को डेमो के रूप में जो दी जा रही हैं इसको देखने के बाद आप जाइए फुल कोर्स थ्योरी MCQ प्रीवियस ईयर सारी जो है आपको नोट्स हैंड नोट्स सारे आपको वहाँ पे मिलेंगे। आप जाइए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो पावर जनरेशन से है। तो पावर जनरेशन का मतलब ये होता है कि शक्ति उत्पादन, मतलब जो है पावर को बनाने के लिए जो है पावर जनरेशन का प्रयोग किया जाता है या फिर बिजली को पैदा कैसे किया जाता है, किन किन स्रोत से पैदा किया जाता है, ये सारा कुछ जो है हम लोग जो है यहाँ पे जानेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे पावर जनरेशन के चैप्टर को कंप्लीट करते हैं, एक एक टॉपिक को समझते हैं। बाकी आप लोग जो है यहाँ पे अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को समझिएगा और डेली रात 8 बजे आप लोगों के लिए बिहार पावर के जो भी बच्चे हैं उनके लिए जो है हमारे यहाँ यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री क्लासेस चल रही हैं और ऐप पे आपकी फुल कोर्सेस सभी बच्चों के लिए चल रही हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि पावर जनरेशन क्लास 1 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे देखिए आपके सामने पूछा क्या गया है कि फर्स्ट नंबर पे कि ऊर्जा उत्पन्न करने के स्रोत क्या हो सकते हैं। तो देखिए ऊर्जा उत्पन्न करने के जो स्रोत होते हैं वो क्या होंगे। ऑप्शन में हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत दिया गया है, बी में हमारा दिया है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, सी में हमारा जो है ऊर्जा उत्पन्न करने के स्रोत, डी में उपरोक्त सभी, क्या होगा ये आप लोग कमेंट कीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को मालूम यह होना चाहिए, 1 मिनट फ्रेंड यहाँ पे जो है थोड़ा सा नुकसान कर लेते हैं। जी हाँ, तो देखिए सबसे पहले ऊर्जा उत्पन्न करने के जो स्रोत हैं वो परंपरागत ऊर्जा स्रोत में अगर हम देखें तो वहाँ पे हमारा जो है इसमें परंपरागत में जो है जो होता है वो कोयला हमारा आ जाता है। आप लोग ध्यान दीजिएगा हमारा यहाँ पे कोयला आ जाएगा, उसके बाद हमारा यहाँ पे आप लोग को ध्यान देना है प्राकृतिक गैस हमारा होगा, ठीक है। कोयला, गैस, नाभिकीय ऊर्जा, ये सारे हमारे किस में आ जाते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आ जाते हैं। और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आप लोगों को ध्यान देना है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और ये जल ऊर्जा, मतलब आप कह सकते हैं कि हमारा बायोगैस, ठीक है। और बायोगैस भी होता है, जल ऊर्जा होता है, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये हमारे गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में आते हैं। अब तो यहाँ पे जो है आपको ध्यान ये देना है कि हमारा जो ऊर्जा बनाए जाते हैं, मतलब जो है जो हमारा पावर बनता है उन किन किन स्रोतों से बनता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कोयला जो होता है इसके द्वारा भी बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। प्राकृतिक जो गैस होता है इसके द्वारा भी हम लोग बिजली को क्या करते हैं, पैदा करते हैं। नाभिकीय ऊर्जा जो होता है, न्यूक्लियर जो होते हैं आप लोगों ने देखा होगा वहां पे भी जो है हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, मतलब बिजली को बनाते हैं, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद गैर परंपरागत में जो है बायोगैस का आप लोगों ने नाम सुना होगा, जो गोबर के द्वारा जो है आदि के द्वारा हम लोग बनाते हैं, वो सारे जो है ऊर्जा बनाने मतलब बिजली पैदा करने के स्रोत होते हैं। उसके बाद जो है जल के द्वारा जो है बिजली बनाई जाती है आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। पवन ऊर्जा जो है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जो होता है आप लोगों ने देखा होगा राजस्थान आदि क्षेत्र में जो है बड़े बड़े पंखे टाइप से बने होते हैं, वो सारे पवन ऊर्जा के स्रोत पे ही आते हैं। सौर ऊर्जा आप जानते हैं वो जो है सूर्य के द्वारा बिजली पैदा की जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऊर्जा उत्पन्न करने के ये जो भी स्रोत हैं यहाँ पे, ये सभी हमारे यहाँ पे सी ऑप्शन भी हमारा सही होगा, ए बी और सी। ऐसे में हमारा जो है यहाँ पे हमारा जो है क्या होगा, यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आपको फर्स्ट नंबर का डी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी आप लोग जो है एक एक क्वेश्चन को यहाँ पे देखते चलिए और कमेंट भी आप कर सकते हैं, चैनल को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फुल कोर्स आपको ज्वाइन करना है तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया, वहां से जाइए फुल कोर्स आप ज्वाइन करिए। देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत के क्या कार्य होते हैं और इसमें क्या प्रयोग किए जाते हैं, ये पूछा गया है कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के क्या कार्य होते हैं और इसमें क्या प्रयोग किए जाते हैं, ये पूछा गया है।
तो ए में देखिए क्या दिया है, इन्हें हम लोग काफी लंबे समय के लिए ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं, मतलब इसका प्रयोग हम लोग काफी लंबे समय के लिए ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। और इसमें कोयला का प्रयोग किया जाता है, इसमें बायोगैस का प्रयोग किया जाता है, यदि में ए बी दोनों। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारा परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है इसमें हम लोग जो है क्या होता है, कोयले का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। और यह काफ़ी लंबे समय के लिए होता है, कोयले आप जानते हैं काफ़ी लंबे समय तक जो है इसे आप प्रयोग में ले सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में हमारा जो है बायोगैस जो होता है ये हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत में होता है, अभी मैंने आपको बताया है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा डी ऑप्शन सही होगा। डी ऑप्शन पे क्या दिया गया है, ए और बी दोनों हमारे यहाँ पे दिए गए हैं, तो हमारा यहाँ पे जो है क्या होगा, ए और बी, मतलब ऑप्शन डी सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर कि गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के क्या कार्य हो सकते हैं, जो हमारा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है इसका क्या कार्य हो सकता है। एम देखिए इसे हम लोग बार बार प्रयोग कर सकते हैं, या फिर इसमें नाभिकीय ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है, या इसमें पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो है क्या दिया गया है, जी हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थर्ड नंबर पे जो है, तो यहाँ पे हमारा जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता है, ए ऑप्शन पे क्या दिया है कि इसका प्रयोग हम लोग जो है बार बार कर सकते हैं, ठीक है, और इसमें पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो जी हाँ, इसमें हमारा जो है ए और सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा, मतलब गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत हमारा इसे बार बार हम प्रयोग कर सकते हैं और यह पवन ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो सौर ऊर्जा आप लोगों ने देखा होगा कि हम उसे डेली रूटीन की तरफ से जो है यूज कर सकते हैं, पवन ऊर्जा भी हम लोग जो है डेली रूटीन की तरफ से जो है इसको यूज कर सकते हैं। यह सभी जो भी हम प्रयोग करेंगे इसे हम डेली जो है रूटीन में ला सकते हैं, डेली बिजली पैदा कर सकते हैं, ऐसे आप लोग ध्यान दीजिए। देखिए मैं आपको जीरो लेवल पे यहाँ पे तैयारी करा रहा हूँ। जीरो लेवल का मतलब ये होता है कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जीरो से क्या होता है, हीरो बनाने का काम हमारा है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा है, थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थर्मल पावर प्लांट, ठीक है, जिसे हम लोग तापीय शक्ति संयंत्र बोलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। और तापीय शक्ति संयंत्र का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं, तो ये है विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न करता है, मतलब बिजली को जो है बनाने का काम करता है तापी थर्मल प्लांट, या फिर आप कह सकते हैं तापी शक्ति संयंत्र, या फिर हमारा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो ईंधन, ईंधन या आप कह सकते हैं फ्यूल के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, तो ए में देखिए कोयले का प्रयोग करेंगे, बी में ऊर्जा पवन ऊर्जा का, सी में सौर ऊर्जा का, डी में बायोगैस का। क्या होगा फ्रेंड, सभी लोग कमेंट कीजिए जो भी हमारे साथी यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो देखिए थर्मल पावर प्लांट में अगर ईंधन के रूप में हम बात करें तो हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, वहाँ पे हम लोग जो है कोयले का प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, कोयले का, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए, कोयले का प्रयोग हम लोग जो है थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव नंबर कि थर्मल पावर प्लांट का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो कोयले को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, या फिर डीसी से एसी में बदलने के लिए, या ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए, या फिर जो है डी में ए व सी दोनों हमारे सही होंगे। क्या होंगे ऑप्शन के अकॉर्डिंग, सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो थर्मल पावर प्लांट का प्रयोग हम लोग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग जो है इसका प्रयोग कोयले को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। अभी मैंने आपको बताया कि विद्युत ऊर्जा बदलने, मतलब विद्युत ऊर्जा में उत्पन्न करने के लिए, या फिर जो है कोयले को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए, ठीक है, ये इसका काम होता है। और डीसी से एसी में जो है ये हमारा जो है कैनिपेटर होता है एक टाइप से, ठीक है, ये भी आपको ध्यान देना है। और इन्वर्टर भी आपका जो है डीसी से एसी में सप्लाई देता है, ये भी आपको ध्यान देना है। उसके बाद सी में क्या दिया है, ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए। तो ऐसे में हमारा जो है यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो होगा वो हमारा ए और सी, ये दोनों हमारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होंगे। थर्मल पावर प्लांट का प्रयोग हम लोग किस लिए करते हैं,
इसलिए कि कोयले को रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए और इसे ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए भी करते हैं। तो ऐसे में हमारा डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से सिक्स नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है कि ईंधन क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। ईंधन मतलब फ्यूल, फ्यूल क्या होता है और इसका प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, ये पूछा गया है। तो ए में देखिए थर्मल पावर प्लांट में, कोयले में ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए या फिर उपरोक्त सभी। तो ईंधन जो होता है वह एक प्रकार का कोयला भी होता है, ठीक है, ये ध्यान देना है। और इसका प्रयोग हम लोग थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। और क्यों करते हैं, क्योंकि ऊष्मा उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही होगा। ईंधन का प्रयोग हम लोग जो है यहाँ पे इसलिए करते हैं, यहाँ पे ईंधन मतलब क्या होता है, वह एक प्रकार का कोयला होता है और इसका प्रयोग हम लोग जो है थर्मल पावर प्लांट में करते हैं। तो ये आप सभी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका पूछा गया है 7th नंबर पे कि आपका जो पीट होता है वो पीट क्या होता है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। तो पीट देखिए एक प्रकार का जो है दिया क्या है, ऑप्शन में कोयला दिया गया है, बी में क्या दिया गया है, यहाँ पे आयरन दिया गया, सी में कार्बन दिया गया, डी में क्या दिया, उपरोक्त सभी। तो देखिए पीट जो है एक प्रकार का जो है अगर देखा जाए तो यहाँ पर हमारा जो है कार्बन होता है, ठीक है। पीट एक प्रकार का कार्बन होता है जिसमें 60% की मात्रा होती है, ठीक है। कार्बन जो है पीट में कार्बन जो होती है कितने परसेंट होती है, 60% होती है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और इसमें नमी की मात्रा सबसे अधिक होती है, ये भी दीजिएगा कि यहाँ पे नमी अधिक होती है, ठीक है। पीट एक प्रकार का क्या होता है, कार्बन होता है और इसमें क्या होता है, इसमें 60% क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा पाई जाती है और इसमें सबसे अधिक नमी होता है। और यह निम्न किस्म का कोयला है जिसे क्या होता है, जलने पर सबसे अधिक राख भी बनता है, ये भी आपको ध्यान देना है। पीट हमारा जो है कार्बन और कोयला, ये दोनों ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा जो है यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे हमारा ए और सी दोनों सही होंगे। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा आयरन जो होता है ये गलत होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो है ए और सी ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही होंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पे 8th नंबर क्वेश्चन और यहाँ पे लिग्नाइट के बारे में पूछा गया है कि लिग्नाइट क्या होता है, इसमें कार्बन की मात्रा कितने परसेंट में पाई जाती है, लिग्नाइट के बारे में पूछा गया है, ठीक है। तो देखिए सबसे मैं अगर बात करूँगा लिग्नाइट तो इसमें जो है कार्बन की परसेंटेज मात्रा 60% से 70% होती है और यह सबसे क्या होता है, सबसे अधिक क्या होता है, यह कोयला पाया जाता है कहाँ पे, भारत में। अगर पूछ ले कि भारत में सबसे अधिक कोयला कौन सा पाया जाता है तो वह लिग्नाइट कोयला होगा जो 60 से 70% इसमें जो है कार्बन की मात्रा होती है या शुद्धता कोयले की मात्रा पाई जाती है, ये भी आप लोगों को ध्यान देना है, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो है यहाँ पे हम जो है परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। अगर यहाँ पे 77 से लेकर 87% कोयले की बात करें तो ये बिटुमिंस कोयला होता है, बिटुमिंस कोयला जो पाया जाता है उसमें 77 से लेकर 87% कार्बन की मात्रा पाई जाती है या शुद्धता पाई जाती है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर कि ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए कोयला कितने प्रकार के पाए जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि हम अगर ऊर्जा उत्पन्न करेंगे या हम बिजली पैदा करेंगे तो कोयले कितने प्रकार के उसमें यूज कर सकते हैं, ये ऑप्शन बहुत बढ़िया दे दिया है। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ए में पीट दिया गया है, बी में लिग्नाइट, सी में एथ्रेसाइट, डी में उपरोक्त सभी, क्या होगा सभी साथी हमारे कमेंट करेंगे। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे अगर देखें तो पीट के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें 60% जो है कार्बन की मात्रा पाई जाती है। लिग्नाइट में जो है आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि लिग्नाइट में हमारा जो है 60 से कितना% होता है, 60 से 70%, ठीक है। और एथ्रेसाइट जो होता है इसमें हमारा 85% होता है, मतलब 85%। तो ऐसे में जो है सबसे शुद्ध जो कोयले के अगर रूप पूछा जाए वो हमारा एथ्रेसाइट होता है।
ये एग्जामों में कई बार पूछा गया और हर एग्जामों में जो है रिपीटेड क्वेश्चन है कि एथ्रेसाइट जो कोयला होता है वो कैसा कोयला पाया जाता है। तो सबसे शुद्धतम जो कोयला होता है वो हमारा एथ्रेसाइट कोयला होता है, ये आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो उपरोक्त सभी हमारा यहाँ पे कोयले हम लोग प्रयोग कर पाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे 10th नंबर क्वेश्चन कि 10th नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है कि शक्ति उत्पन्न उत्पादन में बॉल मिल का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये पूछा गया है। तो शक्ति उत्पादन में बॉल मिल का प्रयोग किस लिए करते हैं, ए में कोयले को टुकड़े करने के लिए, बी में नमी को कम करने के लिए, सी में ए बी दोनों, डी में उपरोक्त सभी। तो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा बॉल मिल का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे कोयले होते हैं उससे हम छोटे छोटे टुकड़े में बनाते हैं मतलब चूड़ित करते हैं, उसके बाद कन्वेयर बेल्ट के द्वारा हम लोग क्या करते हैं उसको आगे बॉयलर के पास भेजने का काम करते हैं, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे बॉल मिल का प्रयोग ये होता है कि हम कोयले को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करते हैं या फिर टुकड़ों में बदल देते हैं। तो यहाँ पे जो है नमी को भी ये क्या होता है कम करने के लिए जाना जाता है। तो ऐसे में हमारा ए बी दोनों या उपरोक्त सभी मतलब हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे सही होगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों के लिए 11th नंबर क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कन्वेयर बेल्ट क्या होता है और इसका आकार कैसे होता है। अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि कन्वेयर बेल्ट क्या होता है, अब इसके आकार की बात की जाए तो यहाँ पे मैं ये भी आपको बता दूंगा। तो देखिए कन्वेयर बेल्ट का प्रयोग हम लोग क्या करते हैं, कोयले को बॉयलर तक ले जाने के लिए प्रयोग करते हैं। कन्वेयर बेल्ट जो होता है फ्रेंड वो हमारा इस तरीके से रोटेट करता रहता है और ये रोटेट जब ऐसे करता है तो ये क्या होता है कोयले को जो है यहाँ बॉयलर तक ले जाने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है कोयले को हम लोग ऐसे ऐसे जो है पहुँचाते हैं और ये कन्वेयर बेल्ट जो है रोटेट करता रहता है घूमता रहता है। तो इसका अगर आकार की बात करें तो इसका आकार जो होता है वो हमारा वी आकार का होता है इस तरीके से। ठीक है, वी आकार का जो है हमारा कन्वेयर बेल्ट होता है और इसी में कोयले को जो है भर के क्या होता है ऊपर ले जाया जाता है बॉयलर तक। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा, ए बी दोनों हमारा यहाँ पे सही होगा मतलब हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो ये थे आज का क्वेश्चन। आज आप लोगों का जो है यहाँ पे 11th क्वेश्चन जो है पावर जनरेशन का जो है यहाँ पे कंप्लीट कराया गया है। बाकी NVS का अगर आप लोग जो है फुल कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे ऐप का लिंक दिया गया है, जाइए वहाँ पर टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी क्लासेस आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी हमारे साथी देख रहे हैं आप लोग फुल कोर्स जरूर ज्वाइन कीजिएगा जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छी हो सके। बाकी आपकी जो है सारी जो है डेमो ग्रुप में क्लासेस मिल रही हैं। चैनल को आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।